स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे 20 ऐसे आइडियाज जो इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है, और आप देखेंगे कि पिच रिपोर्ट थोड़ी ठंडी है। यहाँ यूएस के बाजार भी देखिए थोड़े से दबाव के साथ जाकर बंद हुए हैं, लाइफ टाइम हाईज के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं आप कह सकते हैं ऐसे। और यूरोप के मार्केट में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिला, कच्चा तेल दरअसल मूड खराब करने का काम कर रहा है। एशियाई बाजारों पर नजर डालिए, अब थोड़े सुधरने की कोशिश करते हुए हांगकांग और चाइना के बाजार निचले स्तरों से रिकवरी दिखा रहे हैं, और इसीलिए एसजेएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि कल जितनी खराब शुरुआत आज भारतीय बाजारों की शायद ना हो। 17 अंक ऊपर घंटे भर पहले लाल निशान में भी था नीरज ये, और सुधार के संकेत दे रहा है। दो दिनों की गिरावट के बाद मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज तेजी का दिन हो सकता है। 10 के 10 बल्लेबाज उतारे, आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बल्लेबाजी पे फोकस है और रिजल्ट सीजन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारी कंपनियां आपको वहां मिलेंगी जहां पे अच्छे बुरे नतीजे, कुछ कैबिनेट के बड़े फैसलों के आधार पर खबर, तो पूरी तरह से फोकस खबरों पे, पूरी स्ट्रेटजी वैसे बनी और खरीदारी से शुरुआत करेंगे। पराग मिल्क पहला स्टॉक मेरा होगा जहां पे खरीदारी की सलाह सेक्टर्स दे रहे हैं। कल जिनके नतीजे हैं काफी बेहतर, देखिए मुनाफा 54% बढ़ा है, आमदनी में भी 37% की बढ़ा देखी है, और मार्जिन जो है वो करीब करीब 1% बढ़ते दिखी है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, जहां पे भी नतीजे अच्छे आ रहे हैं बाजार उसको पसंद कर रहा है। खरीदारी की सलाह होगी 345 का लक्ष्य होगा, 327 सिलेक्टर्स की नजर आज खबरों वाले शेयरों पर ज्यादा है। कल जिस तरह से बाजार बंद होने के बाद कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक का जो आउटकम आया वो भेल के लिए पॉजिटिव आया। भेल के लिए इसलिए हम इसको ओपनर का दर्जा दे रहे हैं। 900 करोड़ रुपए का एक बजटरी सपोर्ट देंगे इनके प्रोजेक्ट के लिए, तो सरकार मदद कर रही है, भेल की सरकारी कंपनी है। ये बहुत आपको 900 करोड़ रुपए इसके मार्केट कैप के हिसाब से छोटा दिखेगा, लेकिन आप इसे इस तरह से भी रीड कर सकते हैं कि शायद अब भेल का जो ओएफएस का हैंगओवर था वो खत्म होता हुआ दिखेगा। अभी निवेश सरकार शायद अभी ना करना चाहे, उसको और थोड़ा टालना चाहे, तो यहां पर एक तेजी देखने को मिल सकती है। 145 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 135 का स्टॉपलॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। कैबिनेट ने और भी कई बड़े फैसले लिए हैं, और आज एनबीएफसी सेक्टर फोकस में रहेगा, तो काफी सारे और स्टॉक्स भी हैं कैबिनेट के उस फैसले का जो बाजार बंद होने के बाद आया। नीरज आपका अगला शेयर कौन सा है? एक और आपके फेवरेट सेक्टर से लेते हैं पेपर, और यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं स्टार पेपर। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि जहाँ पेपर सेक्टर पूरा बहुत अच्छी रैली दिखा रहा है वहाँ अच्छे रिजल्ट दम पर इसमें भी तेजी दिखने को मिलेगी। मुनाफा देखिए करीब करीब 4 गुना बढ़ गया है, और आमदनी में भी 13% की बढ़ देखने के लिए, तो स्टार पेपर आज अच्छी रैली आपको दिखा सकता है। खरीदारी का मौका होगा, 75 का लक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पेपर शेयरों ने क्या जबरदस्त नतीजे पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर दूसरे तिमाही लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, तो ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन डेल्टा कॉप भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और ये हम तब से कह रहे हैं जब ये शेयर 80-70 के भाव के आसपास ट्रेड करता था, और आप देखिए लगातार बिग बुल राकेश झुंझुनवाला यहां पर शेयर खरीद रहे हैं। जो डिस्क्लोजर्स आए हैं वो ये आए हैं कल कि 5 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में, यानी पिछले 8-10 दिनों में उन्होंने 10 लाख शेयर बाजार से खुद ओपन मार्केट परचेज के जरिए खरीदे हैं, हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं वो, और आप देखिए इस शेयर में तेजी भी देखने को मिल रही है। मेरे सिलेक्टर्स का टारगेट तो फिलहाल 150 रुपए का है, लेकिन आज 135 तक जा सकता है ये स्टॉक, इस पर भी नजर रखिएगा। एपटेक आपने देखा ही जिस तरह से उन्होंने वहां पर हिस्सेदारी खरीदी, वो शेयर ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। एपटेक और डेल्टा कॉप दोनों ही नए नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर हर रोज जड़ रहे हैं, तो ये होगा मेरा दूसरा स्टॉक। आपका अगला शेयर कौन सा है? ल्यूपिन होगा हेमंत, और यहां पे खरीदारी की सलाह होगी। कल यूएसएफडीए की तरफ से इनकी एक दवा है जो पैरालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है, उसको मंजूरी दी गई है। सेक्टर्स को लगता है कि तमाम सारे जो इनके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से एक ये था सिग्निफिकेंट है, और इसकी मंजूरी के बाद मार्केट इसको पसंद करेगा। नतीजे कंपनी जो पेश किया, हालांकि वो टैक्स की वजह से बेटर दिख रहे हैं, लेकिन बेटर दिख रहे हैं एंड ऑफ द डे रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 1600 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1530 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। टीम लीजो का अगला शेयर, और कल जब बाजार खुला था करीब उसके आधे पौने घंटे के अंदर अंदर हमने देखा टीम लीज के अंदर बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं, हमने आपको वो रिपोर्ट भी किया था। पर आप देखिए उसमें जो हिस्सेदारी बेची गई है वो इंडिया एडवांटेज फंड ने हिस्सेदारी बेची है, करीब 5% से ज्यादा की हिस्सेदारी उन्होंने बेची है, और इस कंपनी में बहुत पुराने निवेशक हैं, वो इशू से पहले उन्होंने निवेश किया हुआ था इस कंपनी में। लेकिन खरीदारी किसने करी है वो इम्पोर्टेंट है। आप देखिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का नाम निकल कर आया है, 1.87% की हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। मॉर्गन स्टैनले जैसे बड़े फंड्स ने करीब 1.5% की हिस्सेदारी यहां पर खरीदी है, तो ये जो हैंगओवर था इस कंपनी के ऊपर इस ब्लॉक डील का वो खत्म हुआ। बड़े लॉन्ग टर्म के लिए अब इन्वेस्टर्स यहां पर फिर से हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिहाज से ये अच्छी खबर है। आज के लिए 1140 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1115 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। तो टीम लीज के बाद अगला शेयर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जानते हैं नीरज का शेयर। नीरज बताइए।
देखिए अगला सेल होगा सुनील हाईटेक, एक कैपिटल गुड्स कंपनी है और यहाँ पे दो अच्छी खबरें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है कि तो क्यूआईपी के जरिए कंपनी 200 करोड़ रुपए करीब जुटाने जा रही है। दूसरा स्प्लिट की खबर दी है बोर्ड ने कि 1:10 यानी एक शेयर को 10 शेयरों में तोड़ा जाएगा, तो ये भी एक लिक्विडिटी के लिहाज से बेहतर होता है और इस तरह की खबरें जब भी आती है तो बाजार में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है स्टॉक के लिहाज से। तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें 200 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 184 पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। HSIL हिंदुस्तान सिनेट्री, ये देश की एक बहुत पुरानी सिनेट्री कंपनी है और आप देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स में जिस तरह से इस कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं वो काफी सराहनीय है। लगातार मजबूती ये स्टॉक भी दिखा रहा है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएशन के लिए जाना गया है ये शेयर। और कल बाजार बंद होने के बाद जो इसके नतीजे आए उसमें आप देखिए मुनाफा करीब 36% बढ़ा, मार्जिन 14.7% के आसपास रहे जो कि पिछली तिमाही जैसे ही है। साथ ही एबिटा में करीब करीब 14.5% का इजाफा देखने को मिला, 15% की इनकम भी इनकी बढ़ी है, तो अच्छे नतीजे। साथ ही एक जो इनकी सब्सिडी थी होम रिटेल में जो कामकाज करती थी उसको विलय की के लिए भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। तो ये तमाम ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं, नतीजे अच्छे और ये सब्सिडी का विलय होना पॉजिटिव माना जाएगा। 350 के टारगेट्स आज यहां पर देखने को मिल सकते हैं, 335 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। ये अगला शेयर आप बताएं। चलिए अगला शेयर एक और सरकारी क्षेत्र की कंपनी टूरिज्म फाइनेंस को सेलेक्टर्स ने चुना है। नतीजों के आधार पर इसके मुनाफे में देखिए करीब 22.5% की बढ़त देखने को मिली और आमदनी 15% बढ़ी है। टूरिज्म फाइनेंस लगातार कोशिश कर रही है सरकार के जरिए कि इसको रिवाइव करे और कई सारे टूरिज्म फंड भी लॉन्च करने की तैयारी है। तो फिलहाल नतीजों के आधार पर सेलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं, 55 रूपये का लक्ष्य होगा, 49 पर स्टॉप लॉस। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं, यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज दरअसल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, ब्रोकिंग कंपनियां, NBFCs एज अ सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और ये हो सकता है आज सेक्टर ऑफ द डे। इसीलिए मेरे सेलेक्टर्स ने दीवान हाउसिंग के साथ शुरुआत करी है। कल जिस तरह से सेबी की तरफ से ये खबरें आई हैं कि जो बॉन्ड में निवेश करने की सीमा है उसको दुगनी कर दिया गया है, म्यूचुअल फंड्स अब बॉन्ड्स में डबल निवेश कर सकेंगे, जो लिमिट थी उसको बढ़ा दी गई है, वो एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। और आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अपनी आगे की ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए अब बॉन्ड्स जारी कर रहे हैं और उन बॉन्ड्स में क्या जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और इसको देखते हुए सेबी ने जो सीमा थी उसको बढ़ा दिया है, 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा एमटेक के शेयर में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली थी, उनके बॉन्ड्स को लेकर जिस तरह से सवाल उठने लगे थे, सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे किसी एक म्यूचुअल फंड पर किसी एक बॉन्ड में निवेश करने के लिए, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन हटते हुए दिख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि दरअसल छोटे मझोले हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए और इसीलिए आप देखिए ये कंपनियां आप पैसा जुटा रही हैं। ये भी NBFCs हैं, बेहतरीन प्रदर्शन दिखाती आई हैं, नतीजों के फ्रंट पर भी इस सेक्टर में आज तेजी बन सकती है, 268 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 250 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेकिन आइए आप जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। जियो जी BNP पारिबा होगा हमारा डिपेंडेबल स्टॉक और हमने इसको इसलिए चुना है कि कल जो CCA कैबिनेट की बैठक हुई उसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ कि जो तमाम सारी NBFCs हैं उसमें 100% FDI ऑटोमेटिक रूट के जरिए अलाउ कर दी गई है। लेकिन उस खबर को अगर देखें उसके अंदर कुछ सेगमेंट हैं जो कमोडिटी ब्रोकिंग फर्म्स हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि अब तक ये इसमें अलाउड नहीं था। अब इस खबर के बाद सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है जो तमाम ब्रोकिंग हाउसेज हैं जहां पे कमोडिटी ब्रोकिंग भी होती है उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और वैसे भी आप देखिए जैसे जैसे कमोडिटी की तरफ एक बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं ये सारे स्टॉक्स लाइमलाइटेड हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत जल्द अलाउ होने वाली है, सेबी इसका पूरा प्रपोजल तैयार कर चुका है। उसके बाद क्या होगा कि भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड होगा, अभी कमोडिटी में ट्रेड करना इसलिए मुश्किल क्योंकि लॉट साइज बड़ा है, पैसे ज्यादा लगते हैं, पार्टिसिपेशन कम होता है, लेकिन ऑप्शंस के बाद वो काफी घटेगा। तो वॉल्यूम जब जनरेट होगा तो बिजनेस और एक्सपेंड होगा, इसी सेक्टर से इस पूरे सेक्टर को एक बूस्ट देना जरूरी है और ज्यादा FDI भी इसमें अट्रैक्ट कर सके। तो FDI का जो फैसला लिया गया है खासतौर पर कमोडिटी ब्रोकिंग फर्म वालों के लिए बहुत बढ़िया, जहां पे 100% FDI ऑलरेडी ली जा सकती है और कमोडिटी एक्सचेंजेस में भी इससे पहले फैसला लिया जा चुका है कि वहां पे 15% तक FDI आ सकती है, यानी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, 50 का लक्ष्य, 43 का स्टॉक लॉस। और मेरा जो मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक है वो भी इसी सेगमेंट से है, इसी सेक्टर से है। जी हां, आज मेरे सेलेक्टर्स बुलिश हैं,
एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर, यहां पर भी तेजी इसी खबर के दम पर देखने को मिल सकती है। पहले कमोडिटी ब्रोकिंग डिवीजन में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से नहीं था, कल देर शाम जिस तरह से फैसले लिए गए कैबिनेट के द्वारा, इसके जरिए अब यहां पर निवेश आता हुआ दिखेगा और वो कंपनीज जो इस कारोबार के साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए एक बड़ा बूस्टर डोज माना जाएगा। आज ये सेगमेंट सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, आगे भी कुछ और ब्रोकिंग हाउसेज हैं जो हमारी टीम में आपको देखेंगे। लेकिन आप देखिए, ये भी बिग बुल का फेवरेट शेयर है, जैसा कि कुछ देर पहले हमने कुछ और स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करी है, डेल्टा कॉप, एपटेक की बात करी जहां पर बिग बुल काफी बुलिश है। आप देखिए वो तमाम शेयर लगातार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छू रहे हैं। इस शेयर ने भी कुछ दिनों पहले नया 52-वीक हाई लगाया था और पिछले ही महीने करीब 1.3% हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाल ने और खरीदी है इस कंपनी में। 55 करोड़ रुपए के शेयर ओपन मार्केट से उन्होंने खरीदे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है। और वैसे भी आप देखिए ये सेक्टर जो है अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। और तेजी हो या मंदी, दो लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं नीरज, कहते हैं एक तो आपका ब्रोकर और ये ब्रोकिंग कंपनी है, और दूसरा एक्सचेंजेस। बीएससी के कल जो नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, 40% मुनाफा उन्होंने दिखाया है पहली तिमाही में, तो ब्रोकिंग सेक्टर के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं साफ तौर पर ये लगता है। चलिए ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज का फ्रीड शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, जी हाँ बचे हुए चार चार शेयर हम दोनों ही टीम्स में कौन से हैं ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में, और अगला स्टॉक आपको बताते हैं सातवां, सुवन लाइफ साइंसेज सेलेक्टर्स ने चुना है और ये भी नतीजों के आधार पर चुना है। बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, मुनाफा देखिए 58% बढ़ा है और आमदनी भी करीब 32% बढ़ी है, तो इस स्टॉक में खरीदारी सलाह होगी रिजल्ट के बाद। 215 लक्ष्य 198 स्टॉक। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये एक और शेयर है जो मेरे सेलेक्टर्स ने आज टीम में शामिल किया है। डीएचएफएल पर कुछ देर पहले हमने बताया था आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर भी एनबीएफसी के तहत ही आता है, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि सेबी ने म्यूचुअल फंड का जो निवेश करने की जो सीमा थी वो डबल कर दी है। और आप देखिए कल जिस तरह से जो स्टेटमेंट था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वाइस चेयरमैन गगन बांगा की तरफ से कि अब उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है, वो 25 से 30 बेसिस पॉइंट घट जाएगी, तो राहत की बात है। इस पूरे सेक्टर के लिए अच्छी तेजी आज यहां पर देखने को मिलेगी। चलिए इसी ग्रुप का, आपकी ग्रुप का एक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट स्टॉक है जहां पर सेलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। रिजल्ट देखिए, बहुत रेयर ऐसी रिजल्ट किसी रियल एस्टेट कंपनी ने पेश किए, 30% मुनाफा बढ़ा है, आमदनी बढ़ी है, मार्जिन बढ़ा है, एबिटा मार्जिन बढ़ा है, सेलेक्टर्स को लगता है यहां पर एक बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 91 लक्ष्य होना चाहिए, 83 पे यहां पे करीब करीब स्टॉक लॉस, इंडिया बुल्स ग्रुप भी अच्छा आज लगता है, पूरा ग्रुप चलता हुआ दिखेगा, रियल एस्टेट भी और हाउसिंग फाइनेंस भी। और अब नजर है तलवरकर्स के ऊपर, देखिए इसके आज नतीजे आने वाले हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि नतीजे अच्छे आएंगे। वैसे भी मॉनसून के समय में भी हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर जाके जिम करने के कारोबार में है ये कंपनी, तो ज्यादा से ज्यादा इनकी मेंबरशिप्स बिकती हैं। बहरहाल नतीजों के ऊपर नजर रहेगी, Q2 के नतीजे भी अच्छे आएंगे, Q1 के भी नतीजे आज आने की उम्मीद अच्छी की जा रही है। इवन आप देखिए पिछली तिमाही में Q4 के नतीजे बेहतरीन थे और शेयर ने एक ही दिन में 15-20% की तेजी दिखाई थी नतीजों के दम पर, तो आज देख लीजिए नतीजे कैसे हैं उसके बाद यहां पर तेजी आप कर सकते हैं। 245 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 230 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेकिन अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, नीरज बताइए। मोतीलाल ओसवाल हमारा प्रीट स्टॉक होगा और हम आपको लगातार ये खबर बता रहे हैं कि कल सीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो ब्रोकरेज हाउस है कमोडिटी में खासतौर पर, उनके लिए 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से मंजूर कर दी गई। एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है तमाम ब्रोकरेजेस हाउस के लिए, तो मोतीलाल ओसवाल सेलेक्टर्स ने इसी ने चुना है। दूसरा ये कि बहुत ही मजबूत कंपनी है फंडामेंटली, आपको याद होगा 2020 में ही हमने आपको इसके रिजल्ट के बाद इसको रेकमेंड किया था और उस दिन ये 18% की क्लोजिंग दी थी, इसने जबरदस्त रैली थी, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बाजार इन सब अच्छी खबरों को प्रीएम्प्ट कर रहा है, इसीलिए इसमें मजबूत तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आज भी इसमें बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, 550 का लक्ष्य लेते हुए मोतीलाल ओसवाल में खरीदारी करनी चाहिए 487 के स्टॉप लॉस। बिल्कुल, आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के ऊपर बुलिश है और हमारे सेलेक्टर बुलिश है जेएम फाइनेंशियल के ऊपर। दरअसल आज ब्रोकिंग एज अ थीम अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और आप देखिए जिस तरह से
कंसिस्टेंटली अच्छे नंबर ये ब्रोकिंग हाउसेस पेश कर रहे हैं और अब अगर कमोडिटीज में भी 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी कल मिल चुकी है कैबिनेट के द्वारा तो एक अच्छी खबर मानी जाएगी। वैसे भी आप देखिए जो पहली तिमाही के नतीजे आए जेएम फाइनेंशियल्स के उसमें 19% का इजाफा देखने को मिला, प्रॉफिट में 24% का इजाफा देखने को मिला था, बिक्री में इस महीने की शुरुआत में ये नतीजे आए थे। इवन आईपीओ मार्केट में जिस तरह से गर्मी है और आप देखिए आज भी दिलीप बिल्डकॉन की जो लिस्टिंग हो रही है उसके मर्चेंट बैंकर्स जेएम फाइनेंशियल्स ही है। करीब पिछले कुछ दिनों में जो इश्यूज आए हैं उसमें से 80-90% इश्यूज के मर्चेंट बैंकर्स जेएम फाइनेंशियल्स हैं, तो मर्चेंट बैंकिंग कारोबार इनका अच्छा कर रहा है ऐसे भी आप मान सकते हैं। अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, आज ये सेक्टर वैसे भी लाइमलाइट में है तो आसानी से 80 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 66 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये मेरा फ्रीड शेयर, लेकिन अब वक्त है जानने का कि हम दोनों की टीम्स में आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए। प्राज इंडस्ट्रीज को हमने चुना है और इसलिए चुना है कि कल एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला कि एक फंड बनाया जा रहा है जो ग्रीन फंड के नाम से जाना जाएगा और इसमें जो एथेनॉल है उन सब चीजों को प्रमोट किया जाएगा और प्राज इंडस्ट्रीज इसका पार्टनर होगा। तो ये एक बड़ा फंड है, बड़ी मुहिम शुरू हो रही है, उसके लिए सेलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक को आपको रडार में रखना चाहिए क्योंकि जो ग्रीन फ्यूल है उसमें ये लीडिंग कंपनी है। पहले भी हमने आपको बताया कि गेवो नाम की एक कंपनी है अमरीका की जिसके साथ इनका टेक्निकल टाई अप है और वो कंपनी ग्रीन ETF पहले ही तैयार कर चुकी है और अलास्का एयरलाइंस की एक फ्लाइट उड़ भी चुकी है, जो सेलेक्टर्स को लगता है कि अब इनके साथ भी टाई अप है चूंकि ये बड़े फंड भी लॉन्च हो रहे हैं तो यहां पे एक टाई अप के बाद इस दिशा में ज्यादा काम होगा। तो प्राज के लिए अच्छी खबर, 93 लाख 83 पे स्टॉक। L&T फाइनेंस होल्डिंग है, कोर NBFC इसको भी टीम में शामिल किया है। देखिए अगर आज ब्रोकिंग कंपनियां गैप अप से खुले तो आपको इस तरह की NBFCs पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये एक बेहतरीन रन होने वाली NBFC है, पेरेंटेज L&T का है तो आप समझ ही सकते हैं। और वैसे भी आप देखिए बैंक से जिस तरह से लोग दूर हो रहे हैं, SBI के नतीजे कल आने वाले हैं तो बैंकों से जो है वो शिफ्ट होकर लोग अब NBFCs पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि बैंकों ने जो NPA दिखाए हैं वो तो नीरज बहुत डराने वाले हैं। और इसीलिए मैं इस सेलेक्टर्स को लगता है कि L&T फाइनेंस होल्डिंग के ऊपर नजर रखिए। AGM 23 तारीख को इसी महीने होने वाली है, वहां भी एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स होते हुए नजर आए। हाल ही में खबरें थी कि कुछ बड़े फंड्स यहां पर हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, तो फिलहाल ये सेक्टर फोकस में रहेगा, इस पर भी नजर है। कल इन्होंने एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी किया है, होली ओन सब्सिडी को अपने साथ विलय करने की इन्होंने जो योजना सोची थी उसको अंजाम दिया है। आज बरात 95 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 87 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, जल्दी से देख लेते हैं टीम किस तरह से निकल कर आई है। 10 के 10 पल्लेबाज उतारे हैं मेरे सिलेक्टर्स ने। कैबिनेट की कल देर शाम जो बैठक निकली उसका जो आउटकम आया उसमें भेल को 900 करोड़ रुपए की एक बजटरी सपोर्ट मिल रहा है, ये शेयर आज फोकस में रहेगा। डेल्टा कॉप लगातार 52 वीक्स हाईज जड़ रहा है और पिछले 10 दिनों में 10 लाख शेयर ओपन मार्केट से राकेश झुनझुनवाल ने जो खरीदे उसका डिस्क्लोजर कल शाम को निकल कर आया, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। टीम लीज में कल बड़े फंड्स ने खरीदारी करी है ब्लॉक डील में, उनका नाम सामने आया तो यहां पर तेजी बनेगी। HSIL के अच्छे नतीजों के दम पर तेजी बनेगी और NBFCs के ऊपर नजर रखिएगा, हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई NBFCs अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएंगी, इसीलिए DHFL को टीम में शामिल किया गया है। और इसके अलावा आप देखिए L&T फाइनेंस होल्डिंग एक और NBFC है, यहां पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तीसरी NBFC, इस पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। जिस तरह से सेबी ने कहा है कि म्यूचुअल फंड्स अब डबल हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, बॉन्ड्स जो ये NBFCs हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ी हुई करेंगी जारी, उसके लिए पॉजिटिव खबर है। और सबसे बड़ी राहत की बात कमोडिटी सेक्टर के लिए निकल कर आई है, कल कैबिनेट की बैठक का जो आउटकम निकल कर आया जिसमें अब 100% FDI आएगा भारत में कमोडिटी सेगमेंट में और इसीलिए आप देखिए एडलवाइज ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। फ्री हिट का दर्जा जेएम फाइनेंशियल्स को मेरे सिलेक्टर्स ने आज दिया है। मेरी टीम में पूरी तरह के नतीजों में फोकस है, आप पराग मिल्क देखिए, स्टार पेपर, टूरिज्म फाइनेंस, ये सारी कंपनियां नतीजों के आधार पर खरीदी है। वहीं कुछ खबरों के आधार पर जो आप देखिए सुनील हाईटेक स्प्लिट की खबर है, जियोजित और मोतीलाल ओसवाल में कैबिनेट के डिसीजन का असर देखने को मिला, इंडिया बुल्स स्प्लिट बेहतरीन नतीजे और प्राज इंडस्ट्रीज के लिए जो ग्रीन फंड बन रहा है उसका पार्टनर है ये भी उसके लिए पॉजिटिव खबर। पूरी तरीके से आज खरीदारी पर फोकस।
चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ और रखिए एसजीएक्स निफ्टी पर नजर। जी हाँ, अच्छी सुधार देखने को मिल रहा है एसजीएक्स निफ्टी में निचले स्तरों से, तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उनकी राय आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो लेकर आएगा मार्केट काउंटडाउन।